मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या पुलिस भी हैकिंग करती है। मैं बोलूं हाँ करती है, बिल्कुल करती है। कैसे करती है मुझे नहीं पता और मैं बताने वाला भी नहीं हूं इस वीडियो में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि पुलिस हैकिंग कैसे करती है, पुलिस हैकिंग करती भी है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, पुलिस के पास, मुंबई पुलिस के पास ऐसा कौन सा टूल है जिसकी वजह से गुंडे पकड़े जाते हैं, चोरी करने वाले और डकैती डालने वाले और गंडे लोग, मतलब जो कि क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। UFED नाम की टेक्नोलॉजी है जो कि इसराइल की एक सेलिब्रिट नाम की कंपनी बनाती है। ये UFED सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन है जो कि मुंबई पुलिस और भारतीय पुलिस के पास अवेलेबल, सबके पास अभी अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ये कैसे काम करती है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन, दैट मींस कि सॉफ्टवेयर भी मिलेगा पुलिस को एंड हार्डवेयर भी मिलेगा। सॉफ्टवेयर तो क्या होता है, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो आप। हार्डवेयर के साथ आपको मिलेंगे बहुत सारे डेटा केबल जो कि आप चोर, गुंडे, आतंकवादी, मवाली, इन सब के फोनों में अटैच करके उस कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। और बहुत सारे हार्डवेयर और मिलेंगे जिसके बारे में भी कोई जानकारी मीडिया को नहीं मिली है, और मैं भी मीडिया में ही आता हूं तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं पुलिस में तो काम करता ही नहीं हूं। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, यहां पर जो सेलफोन इन्वेस्टिगेशन होता है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है पुलिस के लिए, क्योंकि अगर कोई भी क्राइम हो जाता है, कोई भी वारदात हो जाती है, तो वहां पर किसी भी इंसान के बारे में, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे विक्टिम हो, या कोई भी किसी के बारे में जानना हो, तो उसका सेलफोन बहुत सारी चीज़ें बताता है। उसने किसको कॉल की थी, कितने बजे कॉल की थी, वो कहाँ पर गया था, किसको क्या मैसेज कर रहा है, क्या धमकी दे दी, क्या जो भी बात हो गई, किस तरीके से उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या, ये सारी चीज़ें जानने के लिए फ़ोन की तो ज़रूरत है, फ़ोन से तो पता लगा सकते हैं। अब क्या होता है, ज़्यादातर लोग बड़े तेज होते हैं, अपने फ़ोन को लॉक करके रखते हैं। अब क्रिमिनल की तो बात ही छोड़ दो, आजकल तो 12-13 साल के बच्चे भी ऐसे डेंजर इंक्रिप्शन लगा के रखते हैं। मैंने देखा है बहुत 12-13 साल के बच्चे, मैं बोला अरे यार तुम कौन से न्यूक्लियर मिसाइल के कोड छुपा के बैठे हो गया, एक पूरा पैटर्न वाला, फिर एक एप्लीकेशन के अलग कोड, अलग कोड। अब उनके हिसाब से कुछ अलग बम रखा होगा उनके अंदर, उनके माँ बाप पता चल जाए, जूते खाने का डर होता है, तो वो ठीक है, मैं भी समझता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपना अपने अपने राज तुम अपने फोन में ही रखो, किसी को मत बताना, और हम जानने में वैसे इंटरेस्टेड भी नहीं है, राइट? सबके कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होते ही हैं। खैर, तो यहां पर क्या होता है कि जो डेटा केबल है वो फोन से कनेक्ट किया जाता है और फिर लैपटॉप में कनेक्ट किया जाता है। वाह, ओहो, क्या बात बता दी टेक्निकल सागर तुमने, डेटा केबल कनेक्ट किया जाता है, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी, हाईटेक है। यहां पर यह सॉफ्टवेयर क्या करता है कि अगर आपके फोन में लॉक लगा भी हुआ है तो भी उसको अनलॉक कर देता है। और नो मैटर आपके पास कौन सा फोन, 20 साल पुराना भी अगर नोकिया का कोई फोन है तो वो भी अनलॉक हो सकता है, और आईफोन 11 या आईफोन के जितने भी लेटेस्ट मॉडल हैं वो भी अनलॉक हो सकते हैं इससे। अगर आपने फोन में लॉक लगा हुआ है तो भी आधा एक घंटे में ये अनलॉक हो जाते हैं, और हर तरह का डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है आपके फोन, मतलब आपकी इमेजेस, लोकेशन, या जो भी SMS वगैरह, जो भी मैंने बोले थे, व्हाट्सएप मैसेज, कुछ भी, सब एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसे पढ़ा जा सकता है। और आप ये बोलोगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये मुझे मिलेगा क्या? तुम कहीं के थानेदार हो, तुम्हें नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पुलिस और ऐसी अथॉरिटी को मिल सकता है जिसके पास पावर है, जिसको परमिशन है किसी केस के साथ, मतलब ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने की, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसके बारे में बहुत पहले बात कर चुका अपने चैनल पर। तो ऐसे लोगों को ही ये सॉफ्टवेयर मिलता है, ये जो इसराइल की कंपनी है ये इन्हीं लोगों को देती है। ऐसी गली गली चलते, अरे इसके लिए कोई ऊंची पहुंच चाहिए, ऊंची पहचान चाहिए, ऐसी नहीं मिल जाती, मतलब पुलिस वालों को मिलती है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अब भारत में आने वाली है, क्योंकि देखो यार, आजकल चाहे क्राइम हो, चाहे कुछ आगे बनना हो, बढ़ना हो, दिनचर्या के रोज के काम हो, बैंक का काम हो, सब टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है, फोन की मदद से, मोबाइल की मदद से, इंटरनेट की मदद से हो रहा है। तो अगर हम इसको कॉन्कर नहीं कर पाएंगे तो हम चीज़ों में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लाइक अगर हमारे इंडिया में फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरनेट ठीक से नहीं होता, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ठीक से नहीं होती, जबकि मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है उनमें से भारत का नाम भी आता है, हमारे यहाँ बहुत सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो भारत में अगर मान के चलते हैं ये सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होती तो हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे बैंक के काम में कह लो, सरकारी कामकाजों में कह लो, आजकल सरकारी कामकाज भी ऑनलाइन हो जाते हैं। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं होती तो हमें दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते और हमारी जो भी कार्य प्रणाली है सरकार की वो बहुत ज़्यादा बाधित हो जाती और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। तो टेक्नोलॉजी को भी कॉन्कर करना है हमें ताकि हमारी लाइफ इजी हो पाए, ठीक है। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के किसी भी देश के लिए लागू होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भारत में आने वाली है UFED नाम की, और कैसे कैसे गुंडों के फ़ोन पकड़े जाएंगे और उनको पता लगाया जाएगा और क्या कर रहे हैं, वो केस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, मैं आपको ये सॉफ्टवेयर तो नहीं दे सकता और ये हार्डवेयर भी नो डाउट आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको इस चैनल पर क्या मिलेगा, आपको इस चैनल पर मिलेगा हैकिंग कोर्सेज मिलेंगे आपको हिंदी में, आसान भाषा में, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसी तरीके से मैंने अपने कोर्सेज में बात की और आपको सिखाया है कि आखिरकार ये इथिकल हैकिंग होती क्या है, क्या ये क्राइम है, क्या एक लीगल प्रोफेशन है। मैं आपको बताऊँ, लीगल प्रोफेशन ही है, एक हिंट दे दूँ मैं आपको, आप इसमें अपना अपना करियर बना सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं हैकिंग सीख कर, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी को हमले उमले नहीं ये सब नहीं, लेकिन आप मदद कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो और लोगों को, अपने परिवार को, जितने भी फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, जो भी हैकिंग हो रही है, उनसे बचा सकते हो। तो आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना चाहिए, 299 रुपीज़ के तीन इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, बहुत ईजी है, कोई भी सीख सकता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।